आज हम चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कार्टिलेज इज लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन, इट इज डेंस, क्लियर, ब्लू वाइट, फर्म कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन से कम स्ट्रॉन्ग होता है। ये बोन के जैसा हार्ड नहीं होता बिकॉज बोन में जो मिनरल्स की डेपोजिशन होती है लाइक कैल्शियम और फास्फोरस की, वो इस कार्टिलेज में नहीं होती। दैट्स वाई कि ये बोन की निस्बतन सॉफ्ट होता है। इस डायग्राम में ये ब्लूइश पोर्शन कार्टिलेज को शो कर रहा है। ये कार्टिलेज इन टू बोन्स के दरम्यान में एक सॉफ्ट पैड बना रहा है और इन टू बोन्स को आर्टिकुलेट करने के काम आता है। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ये कार्टिलेज फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से बॉन्स की फ्रीली मूवमेंट में हेल्प करता है। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कॉन्ड्रोसाइट्स, द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स हैं जो मिलकर कार्टिलेज को फॉर्म करते हैं। लेक्यूना, इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज देयर इज प्रेजेंट अ फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लेक्यूना। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आपको ये जो व्हाइटिश फ्लूइड फिल्ड पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द लेक्यूना। इस लेक्यूना के अंदर ये सेल्स जो हैं, दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। देन ये ब्लूइश पोर्शन मैट्रिक्स को शो कर रहा है। कॉन्ड्रोप्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो कोलेजन को एक्सक्रीट करके कार्टिलेज के मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि मेच्योर सेल्स हैं, ये खुद को इस मैट्रिक्स में एम्बेडेड कर लेते हैं इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस में, दैट इज लेक्यूना। नेक्स्ट आर द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन कार्टिलेज। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, जबकि बोन्स में ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। यही वजह है कि अगर कार्टिलेज में किसी किस्म का कोई डैमेज हो जाए तो कार्टिलेज खुद को रिपेयर नहीं कर सकता बिकॉज नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट देयर। जबकि बोन में अगर किसी किस्म का कोई डैमेज हो जाए तो बोन खुद को रिपेयर कर सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लड वेसल्स। Let's see the collagen fibers. The matrix of cartilage also contains the collagen fibers. Cartilage के matrix में जो collagen present होता है, that is present in the form of fibers. इस diagram में ये collagen fibers की form में देखा जा सकता है. This collagen fiber makes the cartilage dense. Let's see the types of cartilage. There are three main types of cartilage. Number one, hyaline cartilage. Number two, elastic cartilage. And number three, fibrous cartilage. Hyaline cartilage is strong and flexible cartilage. Most common type of cartilage जो living bodies में present होती है, उसे hyaline cartilage बोलते हैं। Hyaline cartilage strong और flexible होती है, और ये cartilage bones के end पे present होती है, specially in joints. और joints में ये at the time of movement friction को reduce करती है, और as a shock absorber काम करती है, because it is present at the ends of bones in the form of soft pads. फॉर एग्जाम्पल, हायलिन कार्टिलेज नोज में प्रेजेंट होती है। इवन हम अपने नोज को फ्रंट पे टच करके इस कार्टिलेज को फील कर सकते हैं, दैट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। इसके अलावा ये हायलिन कार्टिलेज लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया में होती है और ब्रोंकाई में प्रेजेंट होती है। सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज इज इलास्टिक कार्टिलेज। इट इज सिमिलर टू हायलिन कार्टिलेज बट क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड हैज इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर भी हायलिन कार्टिलेज की ही जैसी होती है, एक्सेप्ट कि कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ इसमें एडिशनल इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक इन नेचर होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये इलास्टिक कार्टिलेज एयर के एक्सटर्नल पिना में प्रेजेंट होती है, दैट इज द एक्सटर्नल एयर, और इसको इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा ये इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस को फॉर्म करती है। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जो कि ग्लोटिस को कवर करता है, और एट द टाइम ऑफ स्वालोइंग ऑफ फूड ये फूड को विंड पाइप में जाने से बचाता है। दिस डायग्राम इज शोइंग अस द एपिग्लॉटिस दैट इज फॉर्मड ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। द लास्ट टाइप इज फाइब्रस कार्टिलेज। इट इज वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन निटेड फॉर्म। हायलिन और इलास्टिक कार्टिलेज के मुकाबले में फाइब्रस कार्टिलेज लेस फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं, और ये कोलेजन फाइबर्स एक निटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो इसको टफ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइब्रस कार्टिलेज वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद वर्टिब्रिस के दरम्यान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क को फॉर्म करती हैं, और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्रल कॉलम को
स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ किसी भी किस्म के एक्सटर्नल शॉक और डैमेज से बचाती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के बारे में अलर्ट मिलते रहें। थैंक यू।